साहब गवाही देने थाने गया तो टीआई ने मारी 50 लाठी। घायल अवस्था में एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित ने की शिकायत। आपको बता दें कि रीवा जिले के नईगढ़ी थाना में पदस्थ थाना प्रभारी महोदय का एक और कारनामा सामने आया है। आरोप है कि पीड़ित व्यक्ति गांव में हुई मारपीट की एक घटना में वह गवाह बनकर गवाही देने थाने पहुंचा था, लेकिन थाना प्रभारी ने उल्टा ही पीड़ित को धमकाया और एक अन्य पुलिसकर्मी के साथ पीड़ित को एक स्पेशल सेल में ले गए। पीड़ित का दोनों हाथ फैलवाकर उसके हाथों में 50 से अधिक लाठियों की बरसात कर दी। मामले की शिकायत लेकर पीड़ित आज एसपी कार्यालय पहुंचा और थाना प्रभारी के खिलाफ एडिशनल एसपी से शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की है। मामला रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों गांव में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वहां पर मौजूद कमलाकांत चतुर्वेदी घटना के दौरान उपस्थित था। घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते एक पक्ष के लोगों ने उसका नाम थाने में गवाही के तौर पर लिखवा दिया था। घटना के दूसरे दिन जब कमलकांत को पुलिस ने उसे नईगढ़ी थाने बुलाया और उसका बयान लेना शुरू किया तो थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर उल्टा उसी पर ही पैसा लेकर झूठी गवाही देने का आरोप लगाते हुए उसे एक अलग कमरे में ले गए और एक अन्य पुलिसकर्मी के साथ मिलकर लाठियों से जमकर उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित कमलकांत चतुर्वेदी का आरोप है कि पीड़ित की थाना प्रभारी और एक अन्य पुलिसकर्मी ने उस पर 50 से अधिक लाठियां बरसाई है। उसका कहना था कि दोनों हाथों को फैलाकर उस पर ताबड़तोड़ लाठियां मारी गई, जिसके कारण उसके हाथ और पैर में काफ़ी सूजन आ गया है। बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित ने एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से नईगढ़ी थाना प्रभारी के खिलाफ एवं अन्य पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि शिकायत मिली है जिसकी जाँच की जा रही है। मामले पर अगर किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी ने अगर मारपीट की होगी तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तुत है पीड़ित तथा एडिशनल एसपी रीवा अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। कहाँ के रहने वाले हैं? पुराई। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना हम साहब गवाही में गए, दो लोग झगड़ा किए, कमल चतुर्वेदी, मैं वहाँ चौराहा पर बैठा था, वहाँ गया तो मैं देखा तो ये सब मार रहे थे उसको, कमलाकांत चतुर्वेदी को और उसकी औरत को, तो हुफा हुफा, तो मैं मना किया। फिर यहाँ से हम आपस आया, वो लोग घेर के मारे थे, मना कर रहा था। फिर इसके बाद मैं थाने गवाही बिहान भाई लाए और मेरे को टीआई साहब बोले तू झूठ बोल रहे हो, पैसा लिए हो और उन लोगों को गलत बोल रहे हो। फिर फोरूम में तीन नंबर में ले गए या मेरे को मारना चालू कर दिया। आप कहाँ ले गए थे थाने? मैं गवाही में साहब ले गए थे मेरे को, जिनके साथ मारपीट हुई उनके तरफ से आप गवाही? जी 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 जी। कहाँ से मारे पुलिस वालों? डंडा से मारे हैं साहब। कहाँ कहाँ मारपीट की? शरीर में कहाँ कहाँ चोटें हैं? शरीर में साहब यहीं हाथ में लगा है और पीछे लाठी, दो लाठी मारे थे, अभी निशान है, काला पड़ गया है। हाथ में भी सूजन है? जी हाथ में भी सूजन है। जी हाथ तो सूजन है। कहाँ ले जाकर मारे थे? शोरूम में तीन नंबर में। कितने डंडे मारे होंगे? शोरूम कहाँ? शोरूम कहाँ है? ये अलग रूम रहता है थाने का। अच्छा, थाने का शोरूम है। जी वहाँ कैमरा नहीं लगा? अब सर कमरा नहीं लगा है, वो अलग रूम में ही है। कौन कौन लोग मारे? टी आई साहब स्वयं मारे हैं, एक पुलिस वाला और था। क्या नाम है टी आई साहब? हम नाम नहीं जानता। कितने डंडे मारे था? करीब हमको मारे होंगे 50 डंडा मारे होंगे साहब। थाना कौन सा था? थाना नईगढ़ी था। एडिशनल साहब से आपने शिकायत की, क्या कहा उन्होंने? एडिशनल साहब से आप मिले अभी, क्या कहा, क्या बोले वो? बोले आप कार्रवाई करवाओ, देखे सुने सामने खड़े थे। कार्रवाई करने की बात कहीं है, किस मिलने आए थे आप, क्या बोले? अब साहब बोले कि ठीक है, मैं रिपोर्ट वोट लिख लिए हैं। हाँ, एक सूचना भी प्राप्त हुई है कि नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश ने किसी को जो है अनाधिकृत रूप से मारपीट की है, ये संज्ञान में अभी बात आई है और आवेदक भी जो है रिपोर्ट करने आ रहे हैं, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। जैसे ही आ जाएगी उनसे बात की जाएगी और उसकी जांच कराई जाएगी। यदि पुलिस की तरफ से किसी अधिकारी कर्मचारी ने कुछ अतिशय किया हो जो कानूनी के कानून परिधि में नहीं आता, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।